साथियों, आप देख सकते हैं कि मार्केट में छोटा सा एक हम यहाँ पे एक लॉट के साथ ट्रेल करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बड़ा मूव दे सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है 82 रुपीज़ का, ठीक है। तो 82 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है एंड हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट में अगर बड़ा मूव आएगा तो कहीं ना कहीं हम उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा करके हम लोगों को वेट करना होता है। जैसे आप देख लीजिए वहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम हमेशा रहते हैं और वेट करते हैं, एंड जैसे जैसे हाई को ब्रेक होता रहता हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है अपसाइड में, जो कि हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ अभी मूव करेगा, ठीक है। और देखो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मेरा अभी 82 के ऊपर स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे। जैसे 86 हो जाएगा इसका प्राइस, 86 हो जाएगा तो फिर हम 84 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस को लेकर के आ जाएंगे। मात्र 2 पॉइंट को हम ट्रेल करेंगे, चूंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर ट्रेल स्टॉप लॉस मेरा हिट कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हिट करता तब तक हम बने रहेंगे इसमें। तो थोड़ा सा मार्केट में मूव है, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हिट करेगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे। चलो 85 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 86 हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा SL के अपना मॉडिफाई करके ऊपर कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, SL पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टॉप लॉस पे। जैसे आप ऑर्डर में जाएंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास मॉडिफाई का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे हम जा करके अभी हम लगा देते हैं 84 रुपीज, ओके। और नीचे भी हम डाल देंगे 84, ओके। और फिर स्वीप टू मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और देखिए ये ऑटोमेटिक नॉर्मल मॉडिफाई स्वीप हो गया है, ठीक है। यानी कि 84 पे मेरा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुका है, ठीक है। और मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है भाई, तो मार्केट को थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट ट्रेड कर कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो मार्केट अभी फिलहाल 86 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, 88 हो गया, चलो 88 हो गया, तो बहुत अच्छा मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है और बहुत अच्छा मार्केट ऊपर चल रहा है। तो धीरे धीरे आप अपना ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ आप चल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और एक लॉट है, कोई ज़्यादा नहीं है, एक लॉट में भी अच्छे खासे प्रॉफिट प्रोवाइड होता है। तो नो डाउट इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, 88 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा फिर मॉडिफाई कर लेंगे इसको, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलो 88 के ऊपर अभी ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो हम मॉडिफाई में भी आते हैं, 84 से 86 कर लेते हैं हम लोग, चलो 86 कर लेते हैं इसको, 86, ठीक है 86। कोई उपाय नहीं, अगर हिट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे, डजेंट मैटर। जो है एक बात है तो कन्फर्म है, अब वेट करना है तो वेट करने का तरीका सबसे आसान तरीका है कि आपका किसी भी प्रकार का कुछ नहीं जाएगा। 86 के ऊपर है और जैसे 90 हो जाएगा 88 पे हम आ जाएंगे, ठीक है। 89 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जैसे 90 होगा फिर हम 88 पे आ जाएंगे अपना स्टॉप लॉस को लेकर के। हम 2 पॉइंट पे ही और ट्रेल करना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान लिया जाए कि किसी भी कारणवश आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले का आपको SL ऑर्डर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब 90 के ऊपर आ गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको जाकर के अपना मॉडिफाई कर लेते हैं, 86 के 88 कर लेते हैं, ठीक है 88 कर लेते हैं, हम यहाँ पे 88 कर लेते हैं, जाएगा मेरा 89 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मूव है मार्केट में, ठीक है। चलो 89 कर लेते हैं हम यहाँ पे, 89 कर लेते हैं, ठीक है। चलो 89 कर लिए, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है लेकिन स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो जहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ 89 पे, और देखो वहाँ से मार्केट कितना फास्ट गिर रहा है, उसको देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि कितना फास्ट मार्केट गिर रहा है और आप यहाँ पर रुक नहीं पाते। 89 पे मेरा एग्जिट हुआ, अब देखो वहाँ से कितना फास्ट गिरा मार्केट, अब जरा सा देखो 89 पे मेरा एग्जिट हुआ और वहाँ से देखो मार्केट कितना फास्ट गिरते हुआ आ रहा है, अब देखना थोड़ा ध्यान से देखो कितना फास्ट गिरा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अब आप यहाँ पे संभल नहीं पाते, तो इसीलिए हमने देखा कि मुझे लगा कि नहीं यहाँ से मार्केट गिर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट का टारगेट उस तरीके से हम लिमिट लगा